बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अम्ब्रीन अल्ताफ, प्रिंसिपल अस्क्रिया कॉलेज गर्ल्स विंग सदर कैंपस, आपसे मुखातिब हूँ। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। करंट सिचुएशन के अंदर, जिससे हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं, हम सब ही परेशान हैं, लेकिन उम्मीद एक ऐसा नूर है जो हम सबको इस अंधेरे से निकाल कर रोशनी की जानिब लेकर जाता है। रहमतों के इस बाबरकत महीने में आए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालें और हमारी मदद फरमाएं। बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ आपने इस पूरे साल 2020 में और करंटली 2021 के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लीं, आपने मेहनत की, तो आपने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। एग्ज़ाम्स होने हैं, एग्ज़ाम्स नहीं होने, इस परेशानी से ख़ुद को निकालें। ना खुद परेशान हो, ना पेरेंट्स को परेशान करें। आपके करने का जो काम है वो सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी है। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, आगे जैसे भी सर्कमटेंसेस नॉर्मल होंगे, जो सिचुएशन होगी, गवर्नमेंट जैसे अनाउंस करेगी, आपने अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। मैं पेरेंट्स की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली उन पेरेंट्स की जिन्होंने सुबह सवेरे अपने बच्चों को जगाकर उनके हाथ में लैपटॉप सेलफ़ोन देकर उनको पढ़ने के लिए बिठाया। पढ़ाई नॉर्मल सिचुएशन में भी बच्चों के लिए मुश्किल होती है, तो फिर ऑनलाइन तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। बच्चों, ईद की खुशियां आप सबको मुबारक हों। ईद आने वाली है, आपने इसको एंजॉय करना है, लेकिन SOPs का बहुत ख्याल रखना है। आप में किसी ने भी बीमार नहीं होना। घर वालों के साथ तफरी मकामात पर जाने से गुरेज करें और घर के अंदर रहकर इन्हीं हालात में जितनी खुशियाँ अपने लिए कशीद कर सकते हैं ज़रूर करें। मेरी तरफ़ से और अस्क्रिया गर्ल्स कॉलेज सदर कैंपस की टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक।